आज मैं बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम टेस्टी और चटपटा गोभी का पराठा, वो भी बिना फटे और एकदम फूले फूले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है वो क्लिक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी का पराठा। एक मीडियम साइज का गोभी लिया था, इसका मैंने फूल निकाल लिया है। गोभी का हमें डंठल नहीं लेना है, सिर्फ फूल हाथ से तोड़ के लेना है। इसे हम पानी में डाल के अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। एक टॉप में मैंने गुनगुना पानी ले लिया है, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लिया है। इसमें एक चम्मच नमक डाल देंगे, एक टीस्पून जितना। गोभी का फूल अंदर डाल देंगे और इसे 8 से 10 मिनट रखेंगे ताकि अंदर की गंदगी जो हो वो निकल जाए। कभी कभी इसमें कीड़े भी रहते हैं तो वो अच्छे से साफ हो जाए। थोड़ा सा गर्म पानी है तो इसमें ये गोभी अच्छे से साफ हो जाएगी। पराठे के लिए डो बना लेते हैं। 2 कप गेहूं का आटा लिया है, 1 टीस्पून नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं। 2 टेबलस्पून मलाई डालेंगे। आपके पास अगर मलाई नहीं है तो आप आधा कप दूध डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे। मलाई डालने से पराठा सॉफ्ट बनेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो बना लेते हैं। डो को इस तरह से अच्छे से मसल के रोटी का आटा से थोड़ा सा हमें सॉफ्ट रखना है। 1 टीस्पून तेल डाल के आटे को चिकना कर लेते हैं। पराठे का डो रेडी है, इसे ढक्कन लगा के 10 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। गोभी को पानी में से निकाल देंगे, एक स्ट्रेनर में निकाल देंगे। अच्छे से साफ करके इसे निकालना है। 2 से 3 मिनट इस तरह से इसे स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि अंदर का पानी सारा निकल जाए। गोभी को नैपकिन के ऊपर डाल के इसका पानी सुखा दिया है। आप देख सकते हैं पानी एकदम सूख गया है। इसे हम चॉपर में डाल के एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं। आप इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। एकदम बारीक चॉप कर लेते हैं इसे। गोभी को एकदम बारीक चॉप कर दिया है। एक पतला कॉटन कपड़ा लिया है, इस पे डाल के इसका पानी निकाल लेते हैं। वैसे तो इसमें ज्यादा पानी नहीं है, फिर भी हम जितना निकले उतना पानी इसे निचोड़ के निकाल देंगे। इस तरह से निचोड़ के इसका पानी निकाल देते हैं। अच्छे से दबा के जितना पानी निकले उतना हमें निकाल देना है। गोभी का पानी मैंने निचोड़ के निकाल दिया है और ये एकदम ड्राई हो गई है। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। हरा धनिया को 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था और कपड़े पे डाल के सुखा दिया था और फिर मैंने इसे बारीक चॉप किया है। ये 4 से 5 टेबलस्पून हरा धनिया है। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। इसे थोड़ा हाथ से मैश करके डालेंगे, कभी कभी आमचूर पाउडर में गुठलियां बन जाती है। 1/2 टीस्पून अजवाइन, इसे हम हाथ से थोड़ा क्रश करके डालेंगे। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे, या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। नमक हमें एकदम लास्ट में डालना है। आटे को थोड़ा सा मसल लेते हैं। आपको मैं बताना भूल गई कि डव बनाने में मैंने 1 कप में थोड़ा सा कम पानी का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं ये 3 टेबलस्पून जितना पानी रह गया है। कभी कभी आटे की क्वालिटी के हिसाब से पानी लगता है तो आप उस हिसाब से पानी डाल के एकदम सॉफ्ट आटा बनाए। एक बड़ी सी लोई बना लेंगे, आटे के ऊपर ढक्कन लगा के रखना है। सूखा आटे में लोई को हम इस तरह से लपेट लेते हैं।
इसे थोड़ा बेल लेंगे। एकदम थोड़ा सा तेल लगाएंगे ऊपर। गोभी का स्टफिंग हमने बनाया है, ये अंदर डाल देंगे। बहुत सारा स्टफिंग हमें अंदर अच्छे से रखना है ताकि पराठा जो है एकदम टेस्टी बने। और इस तरह से कचौड़ी की तरह इसे फोल्ड कर लेते हैं। अच्छे से फोल्ड कर देना है। ऊपर से ये आटा निकाल लेंगे, ऊपर थोड़ा सूखा आटा डालेंगे। पराठे को पहले इस तरह से हाथ से दबा के फैलाना है ताकि स्टफिंग अंदर अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अभी पराठा बेल लेते हैं। हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है, बीच में ज्यादा बेलना नहीं है, हमें किनारे से ही इसे बेलना है। तवा हमने गरम करने के लिए रख दिया है और ये गरम हो गया है। पराठा अंदर डाल देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम पहले सेकेंगे, 30 सेकंड के बाद इसे पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा कुक हो जाए इसके बाद इसे पलट लेना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे अभी इसे कुक करेंगे, वापस पलट लेंगे। इस तरह से थोड़ा गोल्डन ब्राउन डॉट्स आ जाए इसके बाद इसे पलट लेना है। ऊपर तेल लगा लेंगे, पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी तेल लगाएंगे। आप देख सकते हैं पराठा किस तरह से पॉप हो रहा है। इस तरह से हम बिना फटे पराठा को बेल सकते हैं। गोभी का स्टफिंग अच्छे से बनना चाहिए, अगर उसमें पानी रहेगा तो आप अच्छे से बेल नहीं पाएंगे और पराठा अच्छा नहीं बनेगा। ये हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हम बाकी का पराठा भी बना लेते हैं। गरम गरम पराठा के ऊपर बटर लगा के सर्व करना है। स्पाइसी और चटपटा गोभी का पराठा रेडी है। इसे मैंने हरी चटनी और दही के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।